जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल असैनिक स्टडी में। आज मैं 32 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो झारखंड इतिहास से हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए, और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियाँ निम्न में से किस प्रजाति की है? ऑप्शन ए है मैग्रॉयड, ऑप्शन बी मंगोलॉयड, ऑप्शन सी कॉकेसॉयड, ऑप्शन डी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चंस का आंसर पता होगा और आप लोग आंसर कमेंट में दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी हजारीबाग। और राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहोंगी पुरापाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी गढ़वा। और राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? ऑप्शन ए इसको, ऑप्शन बी सरेया, ऑप्शन डी रहम, ऑप्शन डी गुमला। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? ऑप्शन ए कुसुमगढ़, ऑप्शन बी शाहपुर, ऑप्शन सी सरेया, ऑप्शन डी रहम। और राइट आंसर है ऑप्शन ए कुसुमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए बजना पलामू, ऑप्शन बी गढ़वा करसो, ऑप्शन सी रामगढ़ झाबर, ऑप्शन डी हजारीबाग मांडू। और राइट आंसर है ऑप्शन ए बजना पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए झाबर, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी भवनाथपुर, ऑप्शन डी करसो। और राइट आंसर है ऑप्शन सी भवनाथपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए भैंसा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। और राइट आंसर है ऑप्शन ए भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नीम डी, ऑप्शन बी दुधपानी, ऑप्शन सी बेबो, ऑप्शन डी उषाडी। और राइट आंसर है ऑप्शन बी दुधपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधपानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। और राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए डुमडुमा, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन सी सरेया, ऑप्शन डी रहम। और राइट आंसर है ऑप्शन ए डुमडुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी साहेबगंज और ऑप्शन डी रांची। और राइट आंसर है राइट आंसर बी चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? ऑप्शन ए बुरहादी, ऑप्शन बी बारूडी, ऑप्शन सी रारू नदी तट, ऑप्शन डी सरेंगा। और राइट आंसर है ऑप्शन सी
रारू नदी तट। ऑप्शन रारू नदी तट जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा जिला के डेस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन ए है गिद्धौर, ऑप्शन बी करुआ, ऑप्शन सी बुधपुर, ऑप्शन डी डालमी। और राइट आंसर है ऑप्शन ए गिद्धौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुरुहातु, ऑप्शन बी नीम डी, ऑप्शन सी बोनगरा, ऑप्शन डी डालमी। और राइट आंसर है डालमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी हजारीबाग। और राइट आंसर है ऑप्शन बी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है पुरपाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पुरपाषाण काल। और साहित्यिक स्रोत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें भी जो हमारा 18 क्वेश्चन है, 18वां नंबर का, वो है वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। किकट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी खुखरा, ऑप्शन सी पुंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी खुखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के डैस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुडरिक शब्द का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए राजविजय, ऑप्शन बी कर्ण विजय, ऑप्शन सी दिग्विजय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर है ऑप्शन सी दिग्विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए पशु भूमि, ऑप्शन बी पहाड़ भूमि, ऑप्शन सी नदी भूमि, ऑप्शन डी जनजातीय भूमि। और राइट आंसर है ऑप्शन ए पशु भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे तारिक ए फिरोज शाही की रचना की। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी शम्स ए सिराज अफीक, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी अब्दुल अहमद लाहौरी। और राइट आंसर है ऑप्शन बी शम्स ए सिराज अफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। और ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द निरियोलिथिक पैटर्न इन द फ्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए बोरमैन, ऑप्शन बी डीएन मजुमदार, ऑप्शन सी एस सी राय, ऑप्शन डी जेम्स डाल्टन। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बोरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी एस सी रॉय, ऑप्शन सी बोरमैन, ऑप्शन डी डी एन मजुमदार। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी डी एन मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए अमरनाथ दास, ऑप्शन बी गायत्री मुर्मू,
ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी बोरमैन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट्स ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए एल टिकेल, ऑप्शन बी गोपाल रॉय, ऑप्शन सी जेम्स डाल्टन, ऑप्शन डी फादर कामिल बुल्के, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल टिकेल। प्रागैतिहासिक काल से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1991, और राइट आंसर है ऑप्शन डी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन ए सरया, ऑप्शन बी रहम, ऑप्शन सी इश्को, ऑप्शन डी देहांगी, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इश्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? ऑप्शन ए दरगाह, ऑप्शन बी बूढ़ाडीह, ऑप्शन सी बालूगारा, ऑप्शन डी झरवार, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए दरगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए चाकगढ़, ऑप्शन बी रहम, ऑप्शन सी बसिया, ऑप्शन डी बुरजू, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी बुरजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरगामा गांव डैश कालीन स्थल है? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? ऑप्शन ए बसिया, ऑप्शन बी इश्को, ऑप्शन डी बुरजू, ऑप्शन सी बुरहादी, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बसिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।